अच्छा जी, मेरा नाम हमजा है। आज हमारे गेस्ट हैं बाबर, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। ये बड़े फेमस ड्रिफ्टर हैं मलेशिया के, ये इनकी गाड़ी है। बातचीत के बाद फिर हम गाड़ी का रिव्यू करेंगे। बाबर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपको ये ड्रिफ्टिंग का शौक़ कब से है, कैसे चढ़ा, कहाँ चढ़ा? अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है सब? मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मलेशिया में मुझे शौक हुआ जब मैं पढ़ने गया हुआ था। अच्छा, कब गए थे पढ़ने? 2011। अच्छा, 2011 में। और वहाँ पे एक दिन बैठे बैठे बस बोर हो रहे थे, गूगल पे सर्च किया किधर ड्रिफ्टिंग होती है, ट्रैक किधर होती है, तो उधर चले गए और उधर बैठे बैठे बस बोला कि अब यही करना है। ठीक है, ट्रैक श्रैक बिल्कुल छोड़ दी और फिर ड्रिफ्ट में आ गए। ठीक है, ऐसा ऐसा करते करते एक साल मैंने एमेचर लेवल पे किया, जो बेसिक ग्रास रूट लेवल था। उसके बाद मैंने बोला चलो अब इसमें है अच्छा स्केल है तो क्यों नहीं इवेंट्स करें। नहीं तो थोड़ा सा बताओ कि ग्रास रूट लेवल का मतलब, जब आप बिल्कुल बिगिनर थे, आपने शुरू किया तो पहली गाड़ी कौन सी थी, फिर कहाँ स्टेप अप किया? पहली गाड़ी मेरी एज अ ग्रास रूट ड्रिफ्टर मेरी एक KE70 थी, जो बेसिक एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, दुनिया में हर जगह है, जिधर गाड़ियाँ महंगी हैं उधर लोग KE70 बनाते हैं। बेसिक सेटअप 4AG ओपन थ्रॉटल पे डिफ वेल्ड होता है। अच्छा, और आप ड्रिफ्ट करते हो तो मतलब बेसिक स्टार्टर के लिए वो है। और उसके बाद आपने स्टेप अप क्या किया? S13 सिल्विया। अच्छा, मैं कंपटीशन लेवल पे चला गया। अच्छा ठीक है, तो उस पे कंपटीशन लेवल के लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या कोई भी जा सकता है? मैं जब कम्पीट कर रहा था तो उधर लोकल इवेंट्स होते थे जो आपको एज अ गेटवे टू प्रोफेशनल ड्रिफ्ट इवेंट्स, जो इंटरनेशनल ड्रिफ्ट इवेंट्स होते हैं, तो वो उसमें कम्पीट करता है। उसमें आप बेस्ट 16 बेस्ट 8 में आते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है कि आप इंटरनेशनल लोकल इवेंट में जो मलेशिया में होता था उसमें आप कम्पीट कर सकते हो, किंग ऑफ नेशन वगैरह। हाँ, किंग ऑफ नेशन के लिए। उसमें फिर आप क्या नाम है, बेस्ट 32 में क्वालिफाई करें तो आप इंटरनेशनली किसी भी इवेंट में खेल तो सकते हैं। दुनिया में लाइसेंस आपको मिल गया था? उधर ही मिला। अच्छा ठीक है, सो अभी आप और कहाँ कहाँ कर रहे हैं कम्पीट? यार हम अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया दुबई में। अच्छा ठीक है, हमारा पाकिस्तान का रीजन ये बनता है तो हमें ये समझ में आ रहा था कि अगर हम ओमान, ये दुबई, UAE जो है, फिर बाकी आपके सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में हम अगर कम्पीट करें तो हमें समझ में आता है। तो वहाँ आप खुद कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो? वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हमने पार्टनरशिप की हुई है, उसका अपना गराज है। अच्छा, तो स्पॉन्सर्स भी हम लोकली वहाँ से ही उठा रहे हैं। ठीक है, और उधर ही कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई इवेंट्स नहीं है, तो हमें हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं तो हमें बाहर ही कम्पीट करना पड़ा। और वहाँ क्या तैयार किया आपने? वहाँ पे एक सिल्विया है, वो भी LS सुपरचार्ज और LS टर्बोचार्ज, ठीक है, क्या नाम है, और फुली बिल्ट इंजन, फुली पूरा पूरी मतलब मोटर बिल्ट है, तकरीबन 7 PSI पे। ठीक है, ड्रिफ्टिंग के लिए बहुत है, 800 हॉर्स पावर, ड्रैग तो नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आपने कुछ कोशिश की कुछ स्टार्ट करने की? जब मैं आया वापस 2017 में, जब मैं मलेशिया से वापस आया तो हमारा प्लान था कि इधर हम कोई मतलब लोकल जो ड्रिफ्टर्स हैं बहुत लड़कों उनके पास बहुत शौक है, लेकिन इधर क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हैं तो बीइंग मतलब मैं एक अकेला तो नहीं कर सकता, जैसी बात है कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, प्राइवेटियर्स होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, तब हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। और कोई इतना हमें बड़ा कोई सर्किट वगैरह नहीं चाहिए, एक बेसिक प्लेटफॉर्म चाहिए जिधर हम अपने जिस तरह आप लेआउट बना, जिधर मैं करता था स्पीड सिटी, स्पीड सिटी, हाँ स्पीड सिटी बेसिकली एक बहुत बड़ा सा पार्किंग लॉट था खाली, उसके अंदर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, साइडों से बैरियर से वो बंद कर देते थे जगह, बीच में कोन्स लगा के एक ट्रैक बना लेते थे, लो पावर्ड गाड़ियों के लिए उसको वेट कर देते थे, जो 120, 130, 150 हॉर्स पावर गाड़ी है जिनको ट्रैक्शन लूज करनी है, इतनी ग्रिप नहीं चाहिए, उनके लिए वेट कर देते थे, और जो हाई पावर्ड गाड़ियाँ थी उनके लिए ड्राई। तो यहाँ भी आई एम श्योर अगर सपोर्ट हो तो हो सकता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी मतलब पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनको हम ड्रिफ्ट कार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लोकल ग्रास रूट पे जो लोग मोटर स्पोर्ट्स को नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि KE70 यहाँ मिल जाती है, टायर्स भी सस्ते हैं, और वेट ट्रैक करके तो आपका एक एक सेट तो पूरी पूरी रात चलता है, और 3-3.5 लाख की KE70 मिल जाती है, एक बेसिक तो एंट्री लेवल ZX है यार, इतनी ज्यादा वो थोड़ी बजट वाइज ऊपर चली जाती है, बट गाड़ियां 90s देख ले, 80s बहुत हैं, हां सेडान्स हैं, बहुत गाड़ियां। ठीक है ठीक है, अच्छा इनने यहाँ फिर गाड़ियां तैयार की है, पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दे दूं, AE86 होती है टोयोटा की, उसमें टोयोटा ने जब ये गाड़ी बनाई तो टोयोटा फ्रंट व्हील भी बना रही थी, टोयोटा ने एक रेयर व्हील प्लेटफॉर्म भी दिया उसी साल में, दोनों गाड़ियां ब्रांड न्यू खरीद सकते थे, जिसको उन्होंने कहा AE86 ए, आई थिंक उसका इंजन कोड की वजह से था, 4AG इंजन था, और ई जो था चूँकि E80 उस करोला को कहते थे तो ई उससे आ गया, और उसकी 6 वेरिएंट थी तो उसका नाम उन्होंने रखा AE86।
उसमें चार वेरिएशंस बेसिक आई थी, उसमें आगे फर्दर भी वेरिएशंस हैं, बट उसमें आई थी 11 जिसकी लाइटें बाहर पूरी लाइट होती थी, टोरिनो होती थी जिसकी पॉपअप लाइट्स होती थी। 11 में और टोरिनो दोनों में कूपे वर्जन भी आई है टू डोर वाली, और थ्री डोर भी आई है जिसको यहाँ लोग हैचबैक कहते हैं, उस ज़माने में लिफ्ट बैक कहते थे जिसके पीछे वो खुलती है। तो दोनों में 11 और टोरिनो भी आई है। सो A86 जब बनी थी तो उस वक्त इतनी बड़ी वो हिट नहीं थी क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा पावर वाली गाड़ियाँ आ रही थी, बट लेटर ऑन वो बहुत चली। शुरू में उनने सर्किट्स में डाली, ग्रुप ए में, ब्रिटिश टूरिंग कार चैंपियनशिप में, यूरोपियन टूरिंग कार चैंपियनशिप, उसमें जीती भी वो गाड़ी, अच्छी अच्छी गाड़ियों को उसने हराया, M6s को, मर्सिडीज़ 190E जैसी गाड़ियों को भी A86 ने हराया। रैली में भी यूज़ हुई, इवन दो रेयर व्हील थी बट बहुत अच्छी चली। फेम जो ड्रिफ्टिंग में उसका आया वो एक बंदा था जापान का, आप लोगों को उसका नाम पता होगा, कैची सुचिया उसका नाम था, जिसको ड्रिफ्ट किंग कहते थे। वो बेसिकली उसका इतना बजट नहीं होता था, जो उसकी स्टोरी है अगर आप लोग गूगल करें उसके बारे में पढ़ें, तो उसने 86 से स्टार्ट की और टोगे जो के माउंटेन पास कहलाया जाता है जापान में, वाइंडिंग नैरो सी रोड्स के ऊपर उसको वो ड्रिफ्ट करता था। उस पर वो गाड़ी बहुत सक्सेसफुल थी क्योंकि गाड़ी का वेट भी कम है और गाड़ी की हैंडलिंग जैसे आपको पता है बहुत अच्छी निम्बल किस्म की हैंडलिंग है, बैलेंस्ड गाड़ी है। उस पर वो अपने से हाई पावर्ड गाड़ियों को वो हरा देती थी। फिर उसने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, उसने एक वीडियो बनाई अपनी, जिस वजह से फिर उसने और इनाडा ने मिलके D1 जो कि अब बहुत फेमस चीज़ हो चुकी है ड्रिफ्टिंग बेसिकली शुरू की। उसके बाद और वो इस गाड़ी का सबसे बड़ा फ़ैन है, उसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। वो बंदा जो है उसने फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में भी बैक एंड पे वो जब सीख रहा होता है लड़का ड्रिफ्ट, वो बैठा नहीं होता, वो फिशिंग कर रहा होता है आई थिंक। सो उस लोग उसको नहीं पहचानते लेकिन हाँ, लेकिन आप और मैं पहचान लिया था कि DK बैठा है, ड्रिफ्ट किंग खुद है। सो उसकी वजह से गाड़ी बड़ी फेमस हुई, अब तो ये लेजेंड बन चुका है, कल्ट आइकॉन है दुनिया में कि 86। कीमतें भी इसकी बहुत चढ़ गई हैं स्पेशली US वगैरह में, और अभी भी बाबर ये प्रोफेशनल लेवल में यूज़ होती है या मतलब वन में यूज होती है, अपना यूरोपियन अपना ड्रिफ्ट मास्टर्स में यूज होती है। अच्छा वो तो LS हो गए, ऐसे ऐसे स्वैप्स हुए हैं कि मतलब वन कैन नॉट इमेजिन जो NASCAR LS हैं स्ट्रोक 7.2 हां हां, तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो इतनी छोटी चेसिस के अंदर, और ये तो अंडर 1000 केजी गाड़ी है। एग्जैक्टली हां, और सीक्वेंशियल लगे होंगे, मतलब कट-कूट करके तो और भी हल्की 18 इंच के व्हील्स वाइड 285। तो अब व्यूअर्स को थोड़ा वॉक अराउंड गाड़ी का आपके दें और थोड़ी डिटेल्स बताएं। टोरिनो का फ्रंट है, टोरिनो का फ्रंट है, और इसमें जो अर्ली मॉडल्स थे उनको आई थिंक जेनकी कहते थे, बाद वालों को कोकी। तो ये कौन सा है? ये कोकी है। अच्छा ये कोकी है, ये जो फेस लिफ्ट बेसिकली उस टाइम था, और इसमें जो जेनकी आया था उसमें छोटी लाइटें आई थी। अच्छा ठीक है, ये क्या लगा हुआ है? ऑयल कूलर लगा वो बेसिकली जो आपका A85 मॉडल था उसमें वो छोटी लाइटें थी। अच्छा 86 में आगे आ गया था, ये ऑयल कूलर लगा हुआ है, ये ऑयल कूलर लगा हुआ है, और रेडिएटर भी, रेडिएटर लगा हुआ है टॉमी का। अच्छा टॉमी का, ठीक है। अच्छा जी ये रिम्स आपने मोंटाना बे। अच्छा ठीक है, और आगे हमने ब्रेक्स जो हैं वो बड़ी लगाई हुई है क्योंकि जैसे बात है हमारा वेट बहुत कम है गाड़ी में, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ये किस गाड़ी की ब्रेक्स है? GTR की ब्रेक्स है। अच्छा GTR की ब्रेक्स है, ठीक हो गया। और पिछले रिम्स कौन से आपने लगाए हुए? पिछले ये वर्क माइस्टर्स हैं, ठीक है, 9 इंच वाइड है, तकरीबन -20 -20 ऑफसेट है। और ये अगला आपने खुद कैम्बर किया हुआ है? ये आगे क्योंकि हमने जो लोअर आर्म्स है वो एक्सटेंड किए हुए। अच्छा, और जो उसका नकल की डायरेक्शन है वो भी चेंज है, तो अब जब आप लोअर आर्म को लंबा करते हैं तो व्हील ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। बिल्कुल जी, और इसके स्टीयरिंग के वो डली हुई है, एंगल भी ज़्यादा है। एंगल ऐसी बात, नकल की पोजीशन चेंज है तो हमारे पास स्टीयरिंग एंगल ज़्यादा है। ठीक है, अंदर से दिखाएं जी। अच्छा अंदर से आपने बिल्कुल बेसिक रेस कार की तरह बनाई हुई है, मतलब स्ट्रीट रेस। मैं जिस गाड़ी में कारपेट ना हो, बेसिकली जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी ना तो इसका काफी जो इंटीरियर वॉर्न आउट था, ठीक है, तो हमने बोला क्योंकि इसी इंटीरियर को यूटिलाइज करके हम ऐसी चीज निकालें जो अच्छी लगे, यूजेबल भी हो, तो हमने पूरा इसका ये जो इंटीरियर है स्वेड है, ठीक है, डैशबोर्ड खुद बनाया, कस्टम क्लस्टर है, रोल केज खुद बनाया है, सब कुछ ई ब्रेक कस्टम है, ठीक है, टोंका की, ठीक है। और ये आपने बैटरी हम पीछे ले गए हैं। अच्छा ठीक है, बैटरी पीछे है और क्विक रिलीज है ताकि सिटिंग इजीली हो, ठीक है। और ये रोल केज भी इधर ही बना हुआ है, रोल केज भी इधर ही बना हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छे हम बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना इट्स डन प्रीटी वेल, प्रीटी वेल, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि वो क्वालिटी के पाइप्स नहीं है हमारे पास, वो क्वालिटी के हमारे पास गैस कह रहा हूं, वेल्डिंग प्लांट्स नहीं है उस लेवल के हमारे पास, ठीक है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा। ये जो पेंट स्कीम हुई है इसको पैंडा कहते हैं बाहर, आई थिंक इसको पैंडा कहते हैं, ये तो
86 में बेसिकली सबसे फेमस इज द पांडा स्कीम और वो ब्लैक और वाइट और जो कार्टून था इनिशियल डी पांडा जो था हां उसमें भी यही स्कीम थी बट आई थिंक इनिशियल डी था इनिशियल डी हां यही स्कीम लेकिन वो हैचबैक थी नहीं नहीं वो तो एंडलेस है वो तो हैचबैक बट मैं कलर स्कीम की बात कलर स्कीम वहां की फेमस हुआ है अच्छा ठीक है इसकी भी बिल्कुल बेसिक आपने की हुई है बिल्कुल क्लीन हमने शेप सब कुछ करके साफ सुथरा ये कॉइलओवर्स लगे हुए हैं फुली बिल्कुल डीसी कॉइलओवर्स हैं और ये सर्च टैंक है एक इंटरनल पंप है एक एक्सटर्नल पंप है ठीक हो गया हम हमें फ्यूल की शॉर्टेज ना हो ठीक है क्योंकि जब ड्रिफ्ट करते हैं तो आपको फ्यूल आपका कट ऑफ हो जाए तो आपकी ड्रिफ्ट भी कट ऑफ हो जाती है ठीक हो गया बोनेट खोल पूरी फाइबर ये फाइबर का बोनेट है अच्छा फाइबर का बोनेट है पूरा ये फाइबर की बॉडी किट है इंजन आपने 1UZ डाला हुआ है 1UZ डाला हुआ है अच्छा यानी कि ओरिजिनल इसमें आता था 4AG 1600cc 4AG इज अ वेरी गुड इंजन मतलब जो उसका वेट और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है ना वो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा पर्पस और था हमारा बिल्ड हमने ये भी देखना था कि हमें पार्ट्स की क्या असेसिबिलिटी है बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में रहते हुए हमने कोई मोटर चूज करनी थी तो हमने ये चूज किया हाँ। पावर भी है डिसेंट पावर है पाकिस्तान के लिए LSE है ना हाँ, ये हाँ, मतलब और ये अब आपने बेसिकली ये 4 लीटर डाल दिया है 1.6 की जगह तो पावर टू वेट तो बहुत अच्छा हो गया होगा इसी तरह और ये है भी काफी हल्का इंजन है ऐसा 20 और इसका ऑल एल्युमिनियम है ना अच्छा गियर बॉक्स कौन सा आपने डाला W58 सुपर सिंगल क्लच है NA सुपरा वाला गियर बॉक्स होता है और LSD डिफ है पीछे ठीक हो गया ये बिल्कुल क्लीन शेव्ड इंजन बे है ये आपने क्यों एक्सटेंड किया ये बेसिकली क्योंकि जब हम लोअर आर्म एक्सटेंड करते हैं तो हमारी जब डायरेक्शन इसकी व्हील्स की चेंज होती है तो हमारा कट अंदर की तरफ बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो उस चीज को बॉडी से लगने से प्रिवेंट करने के लिए हम जो है टब इसकी ट्यूब बना रहे हैं टब बना रहे तो ये सारी चीजें और ये गाड़ी का सारा बिल्ड कहाँ से आपने करवाया किसने ये मेरा एक दोस्त है काफी लोग उसको जानते भी होंगे बाकिर शाह बिल्कुल मैं भी पेशावर में होता है और उसी ने ये सारा प्रोजेक्ट जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने तो उसको गाड़ी भिजवा दी थी ठीक है ये बाकी सारा जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज उसी ने किया था एक एक चीज मैंने तो सिर्फ पार्ट्स प्रोवाइड किए थे और सब बेसिकली जो हमारा आइडिया था हमारी थिंकिंग एक किस्म की थी कि इसको किस तरह हमने बनाना है बिल्कुल ठीक हो गया डू यू माइंड स्टार्टिंग इट अप ताकि आवाज भी सुन ले बाबर थैंक यू आपने अपना टाइम निकाला इतनी गर्मी में आप खड़े हो हमारे साथ थैंक यू फॉर यू एज वेल मतलब इतने अच्छे हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को एक बेसिकली एजुकेट हो कि ऐसे भी लोग हैं जो इतनी मेहनत से गाड़ी बना रहे हैं देखने में कोई कह सकते हैं कि यार ये तो करोला ही है बट इसलिए थोड़ा सा आपको गाड़ी का पता है नहीं बेसिक सी बात है और लोगों को बेसिकली नॉलेज चाहिए कि ये है क्या चीज हाँ इट्स नॉट अ बेसिक करोला और होपफुली अब हम आपको चल के कुछ इसकी रोलिंग शॉट्स दिखाते हैं कुछ हल्की फुल्की ड्रिफ्ट की दिखाते हैं पब्लिक रोड्स हैं लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते तो एक खाली इलाका हमने ढूंढा है जो अभी बना नहीं है रोड्स खुली नहीं है वहाँ सो वहाँ हम जाके थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट मतलब